बंदरवाला डायमंड चोर। एक बड़े से डायमंड शोरूम के सामने बिरजू मदारी अपने बंदर के साथ अपना खेल दिखा रहा था। वो बंदर इतने अजीब अजीब कारनामे कर रहा था कि बहुत सारी भीड़ उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते खेल रंगने लगा। बिरजू कहता है, मेहरबान कदरदान, देखिए हमारे बंदे का कमाल, जो कुछ भी कर सकता है। चलो बंदर भाई, मैडम को सलाम करो। चलो साहब को सलाम करो। और सुनता नहीं क्या मूर्ख बंदर, मैडम को सलाम करो। पर बंदर बिरजू की तरफ घूरता रहता है और बिरजू उसे केला फेंकता है और इशारा करता है। बंदर सभी के पास जाकर सलाम करता है और धीरे से सभी के पर्स और सोने की चेन चोरी कर लेता है। तभी बिरजू खेल खत्म होने का ऐलान करता है। लोग भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं कि तभी अचानक से उस शोरूम से अलार्म की बहुत जोर की आवाज आने लगती है। उस शोरूम के गार्ड्स, जिनका ध्यान मदारी के खेल पर था, वो हड़बड़ा गए और भागकर अंदर गए। मैनेजर कहता है, तुरंत सारे डोर्स लॉक कर दो, किसी को बाहर जाने मत देना, और तुम सिक्योरिटी गार्ड, जो लोग बाहर है उन्हें वहीं पर रोक के रखो। शॉप में चोरी हुई है, पुलिस अभी आती ही होगी। सिक्योरिटी गार्ड भागकर बाहर जाता है। अभी भी कुछ लोग, बिरजू और उसका बंदर, वहां पर थे, उन्हें वहीं पर रोक के रखता है। 10 मिनट में ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और छानबीन शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरे में भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो बाहर जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि तभी उनकी नजर बिरजू पर पड़ती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे सुनो, इधर आओ, तुम यहाँ कब से हो? क्या तुमने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, या फिर तुमने तो चोरी नहीं की है ना? पैसा फेंक, तमाशा देख, अपन का बस यही काम है साहब। बस क्या साहब, गरीब आदमी दिखा नहीं कि लगे शक करने, चाहे तो अपनी तलाशी ले लो। वो तो मैं लेने ही वाला हूँ। हवालदार, इसकी और इसके बंदर की तलाशी लो जल्दी से, और ठीक से लेना। सुना है इनके कपड़ों में काफी सारे छोटे छोटे जेब रहती है, ध्यान से देखो। हवालदार कहता है, अरे सर, ये बंदर काटेगा तो नहीं? डरो मत हवालदार जी, बासी चीजों को मेरा जमुरा मुंह नहीं लगाता। आपको देखो तो पहले ही उसने अपनी नाक सिकुड़ ली है। जैसे ही हवालदार बंदर की तलाश लेने जाता है, बंदर उसकी टॉप निकालकर खुद पहन लेता है, तो कभी उसका डंडा अपने हाथ में लेता है और उसे बड़ा परेशान करता है। हवालदार कहता है, लोगों के चीजों पर नजर है तेरी, हैं? पक्का चोरी की है तूने? चालाक बंदर, ला मेरा डंडा वापस कर। बंदर उसे डंडे से मारता है और फिर उसका डंडा उसे लौटा देता है, जिसे देख इंस्पेक्टर भी हंसने लगता है। बिरजू कहता है, देखा ना साहब, कैसे हंसाया आपको मेरे जमुरे ने। अपने काम सिर्फ खुशियां बांटना है साहब, ये चोरी चकारी हम नहीं करते। ठीक है बच्चू, आज तुझे छोड़ दिया, फिर कभी देख लूंगा। उधर 3 दिन से रह रहकर इंस्पेक्टर को बिरजू और उसके बंदर पर ही शक हो रहा था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाया। अचानक उन्हें एक कॉल आया और खुशी के मारे उन्होंने हवालदार से जीप निकालने को कहा। वो दोनों थोड़ी ही देर में दूसरे एक डायमंड शोरूम के पास जाकर रुक गए। वहां पर भी उस बिरजू और बंदर का खेल शुरू था। हवालदार कहता है, ये क्या सर, आप इतने जल्दी में इनका खेल दिखाने मुझे यहाँ लेकर आए? खेल तो खत्म भी होने को आया है। असली खेल तो अब शुरू होगा, बस देखते जाओ। तभी इंस्पेक्टर कहता है, अरे बिरजू, कहाँ चल दिए, अपनी बख्शिश तो लेकर जाओ। बिरजू उन्हें वहां देख थोड़ा डर जाता है। ये सब इतने जल्दी होता है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या सर, आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अगर वो पेटा वालों को समझ में आ गया ना कि आपने मेरे बंदर को बांध कर रखा है, तो आपकी नौकरी भी गई समझो। चुप है तो मदारी, बात करता है पॉलिटिशियंस जैसे, जिसे आना है आ जाए। इस बार पूरे सबूतों के साथ पकड़ा है मैंने तुम्हें। बेटा, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हो गया था, इसलिए मेरा एक आदमी 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगवाया था। उसने उस दिन से लेकर अब तक तुम्हारा सारा किया कराया रिकॉर्ड करके रखा है। जिस दिन तुम्हारे बंदर ने उस हीरे की दुकान में चोरी की, वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड है। ये देखो, हीरे देने वाला बंदर, ये मूवी का नाम सुना है किसी ने? नहीं, चलो आज दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर उसी के जाल में उसे फंसा देता है और आज की हुई चोरी की सारी रिकॉर्डिंग उस दिन की रिकॉर्डिंग सबको दिखाता है।
बड़ी ही होशियारी से वो बिरजू और उसके बंदर का पर्दाफाश करते हैं। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिग फिश कार। बिलासपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक सेठ रहता है। वो बहुत धनी आदमी होता है, उसका आगे पीछे कोई नहीं रहता। उसके पास बंटी और सल्लू नाम के दो नौकर रहते हैं। वे दोनों रामनाथ के पैसों पर नजर गड़ाए रहते हैं, उसे मारकर उसका सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बात रामनाथ को पता नहीं रहती। एक दिन रामनाथ एक रूम में आराम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उड़ जाता है और कुछ कदम चलते ही वो देखता है कि उसका सीलिंग फैन जहां वो नीचे बैठा था वहीं पर गिरता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां से उठ गया, वरना आज मेरे सर का मेदू वड़ा बन जाता। लेकिन आखिर ये फैन गिरा कैसे? ये सोचकर रामनाथ वहां से चला जाता है और उसी रात अचानक से बिजली चली जाती है। वो देखता है कि मीटर का वायर खुला पड़ा है। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो हाथ पीछे लेकर सोचने लगता है, अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा, करंट लगा तो मैं तो काला कोयला ही बन जाऊंगा। लेकिन ये आज दूसरी बार है जो ऐसा कुछ हुआ है, आखिर ये हो क्या रहा है? रामनाथ सवेरे ही अपने नौकर बंटी और सल्लू को बुलाता है, उनसे सारी बात पूछता है। अरे बंटी और सल्लू, ये घर में मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? क्या हुआ मालिक? अरे यही, कल वो फैन मेरे सर पर गिरने वाला था और रात को ये मीटर के वायर किसी ने निकाल कर रखे थे। सारी रात बिना फैन के मच्छरों ने मुझे काट खाया, ऐसा लग रहा था कि वो सब मिलकर मुझे उठा कर ले जाएंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता मालिक। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन रामनाथ को उन दोनों पर शक आता है। वो सोचता है कि ये दोनों ही मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। फिर क्या, वो तेजी से अपने कार से जा रहा था कि तभी एक कैनल के पास उसके कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो कार सीधे कैनल में जाकर गिरती है। लेकिन कैनल में एक बहुत बड़ी मछली होती है। वो मछली उस कार को धकेलते धकेलते हुए किनारे पर लाकर छोड़ती है। इधर रामनाथ कहता है, बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया, घर के उस एक्सीडेंट से और इधर इस बड़ी सी फिश से, आखिर मेरे कार के ब्रेक्स फेल कैसे हुए? रामनाथ अपने घर वापस जाता है। दूसरे दिन सल्लू और बंटी को बाजार कुछ सामान लाने के लिए वो उसी कार से भेजता है। वो दोनों कार से बाजार जाते रहते हैं कि उनका भी एक्सीडेंट होता है और उनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। दोनों दर्द के मारे कराहते रहते हैं। अरे मर गए, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे पैर टूट गए मेरे। तभी रामनाथ वहां आता है और कहता है, क्यों बंटी और सल्लू, मुझे मारने चले थे ना, अब कैसा लग रहा है जब खुद के पैर टूट गए? कैसा लग रहा है सबक सीख के? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब वो फैन और वो मीटर में जो तुम लोगों ने छेड़खानी की। अरे जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ना एक दिन वो खुद ही उसमें जाकर गिर पड़ता है। रामनाथ जी को पता चला ये बात समझकर दोनों बंटी और सल्लू उनकी माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कीजिए मालिक, हम पैसों के लिए ऐसा कर बैठे, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन रामनाथ उनकी कुछ नहीं सुनता और उन दोनों को नौकरी से निकाल देता है और खुद ही सारे काम करके अच्छे से जीवन जीने लगता है। दोस्तों, लालच करना हमेशा गलत है। अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। लालच में आकर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जायंट ट्रक बिग फिश अरेस्ट। विशाल समुद्र के गहराई में अनेक प्रकार के समुद्र जीव रहते हैं। वही सभी मछलियों की रानी रहती थी, जो आकार में बहुत विशाल थी, और रानी सभी समुद्री जीवों की रक्षा करती थी और सभी उनकी सेवा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एक दिन समुद्र के शार्क मछली रानी के राज्य में हमला कर देते हैं, जिससे सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ मछलियां रानी के पास आती है। एक छोटी मछली कहती है,
रानी रानी, सभी शार्क और उनका शार्क राजा हम पर हमला कर दिए है, सभी तरफ तबाही कर रहे है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ उसको। फिर रानी मछली जल्दी से शार्क राजा के पास पहुँचती है और कहती है, हे शार्क राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसी तबाही क्यों मचा रहे हो? मूर्ख रानी, तुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने राज्य का विस्तार कर रहा हूँ। मैंने आधे समुद्र में अपना कब्जा कर लिया है, अब तेरे राज्य की बारी है। यहाँ पर कब्जा करने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजारना पड़ेगा शार्क राजा। ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। ये कहकर शार्क राजा रानी मछली पर हमला कर देता है और बहुत देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती है। धीरे धीरे वो समुद्र की तह तक आ जाते हैं और वहाँ भी दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। रानी मछली थकने लगती है, फिर शार्क मछली रानी मछली को घुमाकर समुद्र के किनारे फेंक देता है और शार्क रानी मछली के राज्य पर कब्जा कर लेता है। इधर रानी मछली समुद्र के किनारे तड़पती रहती है, जिसे देख किनारे में लगे गांव के लोग उसके पास आते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं। गांव का एक आदमी मोहन कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा मछली और देखो कैसे चमक रहा है। पास ही खड़ा लालू कहता है, अरे इतनी विशाल मछली मैंने कभी नहीं देखी, और जरा ध्यान से देखो इसके नाक में नथ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पक्का मछलियों की रानी होगी। उन दोनों की बात सुनकर रानी मछली बोलती है, तुमने सही कहा, मैं इस समुद्र के सभी जीवों की रानी हूँ। रानी की ये बात सुन सभी लोग भागने लगते हैं। तभी रानी कहती है, आप लोग डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर मोहन कहता है, आपको हमारी मदद चाहिए? आप खुद ही इतनी बड़ी हो, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम इतना कर सकते हैं कि आपको फिर से समुद्र में वापस ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। पर क्यों, आपको वापस क्यों नहीं जाना? वो इसलिए क्योंकि मेरे राज्य में दूसरे समुद्र के शार्क राजा ने हमला कर दिया है और धीरे धीरे पूरे राज्य को तबाह कर रहा है, और जब मैं उनको रोकना चाहा तो मुझे यहाँ बाहर फेंक दिया। इसी कारण मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहती, इसी कारण मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो शार्क पूरा समुद्र तबाह कर देगा, जिससे इंसानियत को भी खतरा है। फिर सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। मोहन कहता है, क्या बोलते हो, हमको इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको हम गांव कैसे लेकर जाए। आप लोग इसकी चिंता मत करो, मैं एक बहुत विशाल ट्रक में पानी भर कर लाता हूँ, फिर इनको गांव लेकर जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मोहन तुरंत शहर से एक विशाल ट्रक में पानी भर कर लाता है और साथ में दो क्रेन भी लेकर आता है, जिससे रानी मछली को वो ट्रक में डाल सके। गांव वाले क्रेन की मदद से बहुत मुश्किल से रानी मछली को विशाल ट्रक में डालकर गांव ले जाते हैं। तभी वो राजू कहता है, भाई इस रानी को तो हम ले आए, लेकिन हम इसकी मदद कैसे करेंगे? तभी पास में खड़ा एक लड़का बोलता है, अंकल अंकल, वो हमारे गांव के साइंटिस्ट चाचा है ना, जो रिटायर होकर गांव आए हैं, उनसे पूछो ना, क्या पता वो कोई सॉल्यूशन दे दे। हाँ हाँ, सही कहा, चलो सभी साइंटिस्ट चाचा को बुलाते हैं। अच्छे से सबकी बातों को सुनने के बाद वो साइंटिस्ट चाचा कहते हैं, ओ देखियो रानी जी, हम आपकी मदद करूंगा, लेकिन समुद्र की गहराई में जाए उस शार्क से तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ऊपर कुछ ऐसे हथियार लगा दूंगा जिससे आप उस शार्क को नानी याद दिला दे सकते हैं। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके रानी मछली के ऊपर दो जेट इंजन और ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगा देता है और साथ में फायर गन भी। फिर सभी उस रानी मछली को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं और रानी मछली सीधे उस शार्क के पास जाता है, जिसे देख शार्क कहता है, अरे तू जिंदा है, मैंने सोचा था तू मर गई होगी, आजा, अब तेरी मौत मेरे हाथ में लिखी है। तू ये गलत फहमी में है दुष्ट शार्क, मैं आज तेरा खात्मा करने आई हूँ, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। फिर तुरंत ही रानी मछली उस शार्क पे हमला कर देती है और साथ ही साथ बाकी सभी शार्कों पे भी हमला कर देती है। कुछ ही देर में सभी शार्क और उनका राजा धूम दबाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे बाकी सभी मछलियां बहुत खुश होती हैं।
और दूसरे दिन रानी मछली समुद्र किनारे आकर गांव वालों का शुक्रिया करती है और वापस जाकर फिर शांति से समुद्र में राज करती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।